नमस्कार दोस्तों, टेक विश्व के एक सुपर फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो शाओमी ने आज जो फ़ोन लॉन्च किया उसके बारे में आज बात करते हैं। द परफेक्ट 10 नाम से शाओमी ने मी 10 आई 5G फ़ोन आज मार्केट में लॉन्च कर दिया है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा के साथ में आने वाला ये जो फ़ोन है ये 20,999 रुपये से चालू होकर 24,000 के प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलेगा। इसका फर्स्ट सेल रहेगा 7 जनवरी को, ठीक है। स्पेसिफिकेशंस की बात करते तो 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा इसमें आपको देखने को मिल रहा है। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 750G मिलेगा जो 5G रेडी चिप है, और उसी के साथ में 120 हर्ट्ज का इंटेलिजेंट एडेप्टिव सिंक डिस्प्ले मिलेगा। 4820 mAh का बैटरी मिलेगा विद 33 वाट का फास्ट चार्जिंग भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे तो इसमें कैमरा की बात करते तो इसका जो मेगापिक्सल कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। 10x10 कैमरा कैपेबिलिटीज के साथ में आता है ये। सैमसंग का एडवांस्ड ISOCELL प्लस एंड स्मार्ट ISO टेक्नोलॉजी के साथ में एम्बेडेड आता है। सैमसंग की तरफ से ये आने वाला जो कैमरा है वो आपके लिए बहुत सारे नए नए फीचर्स लेके आया है, उसकी भी एक एक करके बात करते हैं। 15% स्मॉलर है ये, 0.8 माइक्रोमीटर बेस्ड प्रेडिसेसर जो बाकी के कैमरा मॉडल्स रहते हैं उससे, जिसकी वजह से कैमरा का डिज़ाइन स्लीकर हो गया है, और इसकी वजह से ना जो कैमरा का हाइट है वो भी कम हो गया है बाय 10%। और ये जो है 9 पिक्सल बाइनिंग टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, जिसकी वजह से आपको 3x तक लॉसलेस जूम आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये ऐसा ही है, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, ऐसे 4 कैमरास के साथ में, क्वाड कैमरा के साथ में आने वाला ये शाओमी का मी 10 आई जो है वो पीछे की साइड्स में अगर आप देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इसी के साथ में इसमें आप मूविंग क्राउड नाम से जो फोकस्ड ऑन फिक्स सब्जेक्ट वाइल ब्लरिंग मूविंग सराउंडिंग भी आप फोटो निकाल सकते हो। ऑयल पेंटिंग का भी आप इसमें फोटो निकाल सकते हो, जैसे आप देख पा रहे हो मेक क्लाउड एंड वाटर लुक स्मूद एंड सिल्की, तो एक ऑयल पेंटिंग की तरह कैनवास भी आप इसमें निकाल सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी खूबियों के साथ में आता है। आप देख पा रहे हो लाइट पेंटिंग भी आप इसमें निकाल सकते हो। उसी के साथ में रोड पर आप नियॉन ट्रेल्स भी जनरेट कर सकते हो, जहाँ पे मूविंग व्हीकल्स का इल्यूमिनेशन की वजह से नियॉन ट्रेल्स वगैरह जनरेट हो सकता है। तो लोग नाइट फोटोग्राफी में अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो उनके लिए दिस विल बी अ बेटर कैमरा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या है। स्टारी स्काई जैसे आप देख पा रहे हो, तो स्काई में आने वाले स्टार्स आप कैप्चर कर पाओगे, और उसी के साथ में स्टारी ट्रेल्स भी आप यहाँ पे कैप्चर कर पाओगे, तो जिसकी वजह से स्वीवरली स्टारी स्काइज भी आप यहाँ पे कैप्चर कर पाओगे। तो इस तरीके के बहुत सारे फीचर्स इन्होंने डाले हैं यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का कैमरा का पूरा कैपेबिलिटी इस्तेमाल करने के लिए। ड्यूएल वीडियो का भी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन इन्होंने प्रोवाइड किया, जहाँ पे आप एक ही टाइम पे सामने वाला और पीछे वाला दोनों कैमरा इस्तेमाल करके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मुझे लगता है ये पहले सैमसंग, HTC और सोनी ने बहुत सारे फ़ोन्स में ये फीचर लॉन्च किया था, लेकिन दिस इज़ अ गुड कमबैक। ड्यूअल वीडियो जो है वो आजकल के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए आराम से काम में आएगा। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है इसमें, जिसकी वजह से आप सेल्फ पोर्ट्रेट्स वगैरह अच्छे से निकाल पाओगे। टाइम्ड बर्स्ट, साइबर पंक, टाइम लैप्स सेल्फी वीडियो, कलर फोकस, ब्लैक आइस, ड्यूअल वीडियोस, ये सारे फीचर्स इसमें प्रोवाइडेड है, जिसकी वजह से 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मुझे लगता है सेल्फी एंथुसियास्टिक लोगों के लिए एक अच्छी ट्रीट रहेगा। स्पीड की बात करते तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो चिप है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला ये जो चिप है ये 5G एनेबल्ड है, तो मुझे लगता है 2021 का ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा जो 5G एनेबल्ड चिप हर एक कंपनी यहाँ पे ब्रॉट इन कर रही है। तो 5G का चिप आते वक्त आप कौन से स्पेसिफिकेशंस के साथ में 5G प्रोवाइड कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको हाईली इम्प्रूव CPU, GPU एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा अप टू द प्रीवियस जनरेशंस। आप परफॉर्मेंस का बूस्ट कितना रहेगा वो आप नीचे परसेंटेज में नीचे लिखा हुआ देख पा रहे हो। तो मुझे लगता है दिस इज द फर्स्ट फोन जहाँ पे 750G का प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं मी 10 आई का स्पेशल USP, जो मुझे लगता है मी 10 सीरीज का ही मेन USP है। 120 हर्ट्ज का इंटेलिजेंट एडेप्टिव सिंक डिस्प्ले है, जहाँ पे ये जो डिस्प्ले है इंटेलिजेंट एडेप्टिव सिंक डिस्प्ले जो है वो लो लेटेंसी है, मोर फ्लूइड स्क्रोलिंग आपको इसमें देखने को मिलेगा, और ये जो है एडेप्टिव सिंक ये 30 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक ऑटोमेटिकली मैच करेगा जो भी चीज़ आप आपके फ़ोन पे करते रहोगे उसके हिसाब से, तो जिसकी वजह से आपको एक फ्लूइडिक एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करेगा, और उसी के साथ में ऑप्टिमाइज्ड पावर कंजम्पशन भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो मूवी वॉच करते वक्त या गेम खेलते वक्त आप उसके लिए प्रॉपर जो है वो आप जो हर्ट्स है वो प्रॉपरली आपको मैच करके मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हो वॉचिंग मूवीज के लिए 48 हर्ट्ज का 24 FPS का
स्पीड प्रॉपर रहेगा, रिकॉर्डिंग वीडियोस के लिए 30 या 60 हर्ट्ज का, स्क्रोलिंग इन्फॉर्मेशन के लिए 120 हर्ट्ज का और गेमिंग के लिए अप टू 120 हर्ट्ज का यहाँ पे रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ में प्रॉमिसिंग बैटरी भी इन्होंने प्रोवाइड की है, 4820 mAh का बैटरी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। मुझे लगता है 5000 के mAh के आसपास का ही ये बैटरी, लेकिन 4800 का जो बैटरी है वो भी एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आपको और पूरे दिन के लिए ये आराम से चल जाएगा। एक से डेढ़ दिन के लिए ये बैटरी आपको ज़रूर सफाइस करेगा आपका वन टाइम यूज़ के लिए। उसी के साथ में 33 वाट का फास्ट चार्जिंग भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड एंड विदाउट डिसरप्शन के साथ में चार्ज होने वाला ये जो पावर ब्रिक है वो आपको बॉक्स में ही एम्बेडेड मिलेगा और ये रिड्यूस करंट ट्रैवलिंग डिस्टेंस एंश्योरिंग स्टेबल चार्जिंग स्पीड का भी इन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है। तो आप देख पा रहे हो जिस तरीके से मिडल टैप टेक्नोलॉजी जो है वो ड्यूअल स्प्लिट चार्जिंग करती है, दो बैटरीज को बैटरी के दोनों साइड को पैरेलल पाथवे में चार्जिंग करती है जिसकी वजह से ये इजीली और क्विकली चार्ज हो जाता है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी, MMT टेक्नोलॉजी भी इन्होंने एम्बेडेड कर दी है Xiaomi ने, तो ये एक दिस इज ऑल्सो गुड थम्स अप थिंग फॉर दिस प्रोडक्ट। एक्सक्विजिट डिजाइंस के साथ में आता है, यहाँ पे कलर्स भी बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये पिंकिश ग्रीन कलर है, मिडनाइट ब्लैक कलर आप देख पा रहे हो, सटल। जिन लोगों को बाकी कलर्स पसंद नहीं है उनके लिए मैं मिडनाइट ब्लैक कलर आपके लिए प्रेफर करना चाहूँगा। और उसी के साथ में और एक यहाँ पे थर्ड कलर भी इन्होंने प्रोवाइड किया है, अटलांटिक ब्लू कलर मुझे इसका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन कलर का चॉइस मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। तो ये ऐसा ये मीट एंड आई आज जो लॉन्च हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे टेक्विश्यू यूट्यूब चैनल को। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर और हर एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा ऐसे ही नए नए वीडियोस हर दिन बनाने के लिए। तो मैं मिलता हूं आपको एक फ्रेश एपिसोड के साथ टुमारो, तब तक यू गाइस टेक केयर। टेक विश्व को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, द यूनिवर्स ऑफ इनफिनिट टेक्नोलॉजी से मैं आपका होस्ट विश्वजीत साइन ऑफ कर रहा हूं। मैं मिलता हूं आपको एक फ्रेश एपिसोड के साथ टुमारो, तब तक यू गाइस टेक केयर, बाय बाय।